सो हां जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई जैसा कि तुम्हें पता है कि शोभ भाई की नई ईपी आ चुकी है लियो टाइटल के साथ में, तो उसका जो पहला ट्रैक है हुड एंथम, उसका ही लिरिक्स ब्रेकडाउन करके बताऊंगा मैं तुम्हें हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में। और तुम्हें अगर ईपी के बाकी के ट्रैक्स का ब्रेकडाउन देखना है तो लिंक तुम्हें वीडियो आखिरी में मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे भी लिंक मिल जाएगी, वरना जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है वहां पे भी मिल जाएगी, सो कहीं से भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइटल है हुड एंथम, इसमें अपने हुड से रिलेटेड ही बातें करी है शोभ भाई ने। तो सबसे पहले हुक आ जाता है जो कि होता है कि काले कम काले साडे बाणे दस दे कचहरियां ते थाने पुछ दी तू फिरदी टिकाणे किथे तक लिंक विलो ओ ना तू जाने। तो इन लाइंस का मतलब है कि काले कम काले साडे बाणे, मतलब कि मेरे काले कपड़े हैं और काले हमारे काम है, ये सिंपल ही थी ये तो ना। उसके बाद है दस दे कचहरियां ते थाने पुछ दी तू फिरदी टिकाणे, मतलब कि तुम मेरे ठिकाने पूछती फिरती हो। मेरा जो हुड है उसके हम सिर्फ कचहरियां थाने में मिलते हैं, कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर। किथे तक लिंक विलो ओ ना तू जाने, नहीं मेरे कहाँ तक लिंक है, मेरी कहाँ तक अप्रोच है वो तुम नहीं जानती हो। लड़की को रेफर करके सारी बातें बताई जा रही है अपने हुड की, जो जो बातें अच्छी वो सारी। इसके बाद भाई आगे की लाइन से कि बीबा सी खोंडियां पराने मन दे न्याणे की सियाने, खबरां च गल्लां साडे बारे हाँ चंगे माड़े किन्ने ओ ना तू जाने। बीबा सी खोंडियां पराने, मतलब कि हम पुराने गुंडे हैं बहुत, मन दे न्याणे की सियाने, जो बच्चे या फिर जो सियाने बुजुर्ग बंदे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि मतलब हम पुराने गुंडे हैं। उसके बाद है कि खबरां च गल्लां साडे बारे हाँ किन्ने चंगे किन्ने माड़े ओ ना तू जाने, मतलब खबरों में सिर्फ हमारे बारे में ही बात है और हम कितने अच्छे कितने बुरे हैं ये तुम नहीं जानती हो, किसी को भी नहीं पता ये चीज़। इसके बाद भाई पहला वर्स स्टार्ट होता है जो होता है कि घूमते टोरंटो कदे ऐले बंदे सारी दुनिया च फैले, मतलब कि मेरे जो हुडके बंदे हैं वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, इसीलिए हम कभी टोरंटो जो कैनेडा है वहाँ पे घूमते हैं या फिर ऐले लॉस एंजलिस में घूमते रहते हैं। इसके बाद आखिरी लाइन्स है वो है कि साडे नाल भिड़दे जो थैले हो बीबा अत नाम दूजा असी पहले। तो इन लाइन्स का मतलब है कि हमसे जो थैले बंदे भिड़ते रहते हैं, तो इसे थोड़ा सा डिसग्रेड रूप में कहा गया है, मॉकिंग करते हैं ना उस तरह से। अब जैसे कि डिसग्रेड वर्ड बहुत सारे हैं पंजाबी में, जैसे कि टेम्पो कह दिया, चावल कह दिया, तो यही सारे हैं। वो बीबा अत नाम दूजा असी पहले, मतलब कि जो तबाही नाम है वो दूसरा है, हम पहले हैं, मतलब कि हमसे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद भी आगे की लाइन से कि दुनिया ते छापा जांदे छड़दे सड़दे आ साले तरक्की किथे जरदे डरदे मरदे सकीमा रहिंदे करदे हुंज के रखते आ राह च सी अड़दे, मतलब कि भाई कहते नहीं है क्या कि भाई छापे छोड़ते हुए जाना, तो वही कहा गया कि दुनिया ते छापा जांदे छड़दे, मतलब कि अपनी छाप अपनी पहचान पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सड़दे आ साले तरक्की किथे जरदे, जो हेटर लोग है जो सारे हेटर है वो तरक्की कहाँ सहन कर पाते हैं, वो सड़दे रहते हैं जलते रहते हैं। डरदे मरदे सकीमा रहिंदे करदे हुंज के रखते आ राह च सी अड़दे, मतलब कि वो डरते मरते भी स्कीम हमसे करते ही रहते हैं, हमें नीचे गिराने की ट्राई करते रहते हैं, उंझ के रखते हैं राह से सी अड़दे। अब वो सारे मैंने पीछे खींच के रख दिया जो जो मेरी राह में रोड़ा बन रहे थे, जो मेरे बीच में आ रहे थे। तो भाई आगे की लाइन्स आती है, तो इन्हें भाई थोड़े से जो नॉन पंजाबी लिसनर है वो थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि स्लैंग है। तो इसके बाद आता है कि कहीं दे कुत्ती चोरा नाल रलगी, तो इसका वैसे लिरिक्स में कोई खास संबंध नहीं है, ये स्लैंग है, जैसे कि हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, तो उसी तरीके से कि जो घर का कुत्ता होता है पैट वो जब चोरों के साथ ही मिल जाए, तो उसी लाइन को बोला गया, मतलब कि वो चोरों के साथ ही मिल गया तो हमारा दुश्मन बन गया। तो उसी तरीके से है कि कहीं दे कुत्ती चोरा नाल रलगी बैठी इंडस्ट्री भी अखां फिरे मल दी, मतलब कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं कुछ लोग वो भी जो हेटर्स लोग हैं शुभ के उनके साथ है मिल चुके हैं, बैठी इंडस्ट्री भी अक्खा फिरे मल दी, और वही इंडस्ट्री तरक्की देख के हम आँखें मलती रहती है कि क्या हो रहा है। उसके बाद है कि दस दिया अग जांदी बलदी पच दिया सौकी किते दाल साडी गलदी, तो ये जो थर्ड लाइन है ये हो सकता है कि कार के बारे में बोली गई हो कि दस दिया अग जांदी बलदी, मतलब कि कार के जो पीछे साइलेंसर में से आग निकलती है उसी को शायद बोला गया। अगर कार के बारे में नहीं बोला गया तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री या हीटर्स के बारे में ही बोला गया होगा कि भाई ये जो जलते रहते हैं वो चीज़ दिख जाती है आराम से। उसके बाद है कि पच दिया सौखी किते दाल साडी गलदी, मतलब कि मेरी गलाई हुई दाल इतनी सौखी इतनी आसानी से कहाँ पचती है, मतलब कि मेरा काम इन्हें पचता नहीं है इतनी आसानी से। दाल साडी गलदी, मतलब कि मेरा काम चलता है मेरी दाल गलती है।
और हाँ भाई, बीच बीच में जो हुक्स आ रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर दिया है, सो तुम दोबारा जाके उसे देख सकते हो। तो फिर आगे लाइन आते है कि गल्ला साढ़े बारे ही कर दी सर्चा तू बायोडेटा पढ़ दी। तो इन लाइन्स का मतलब है कि गल्ला साढ़े बारे ही कर दी, ये तो आसान है कि तुम सिर्फ हमारे बारे में बातें करती हो मेरी हुड के बारे में, कर दी सर्चा तू बायोडेटा पढ़ दी, मतलब कि तुम्हारे बारे में सर्च करके पढ़ती रहती हो और हमारा बायोडेटा भी पढ़ती रहती हो। गल तो दस तू मसा भी ना डर दी कि इरादे तेरे ईमेल कर दी। तो यहाँ पर किसी लड़की से कहा गया कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरती हो कि क्या इरादे है तुम्हारे जो हमें ईमेल करती रहती हो, हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती रहती हो। इसके बाद आगे की लाइन्स है कि बीबा साढ़े बदले विचार है, लबला जे लबदा होर कोई शिकार है, मतलब कि मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनने वाला, तुम और किसी पे डोरे डालो, तुम्हें अगर कोई और शिकार मिलता है तो उसे शिकार बनाओ। बीबा साढ़े बदले विचार है क्योंकि मेरे बदले हुए विचार है, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। फिर लाइन्स आते हैं कि मुंडा तेरी पहुँच तो बार है, एको है प्यार तेनू पता काली कार है। तो तुम्हें पता ही है शुभ भाई की काली कार का, तो वही सिर्फ उनका एक प्यार और बाकी लड़का तुम्हारी पहुँच से बाहर है ये कहा गया। पर इसके बाद लास्ट हुक से पहले लाइन आती है कि मनी बैठे रब दे भाणे, पैसे नहीं हो बंदे आ कमाने, मतलब कि मुझे पैसे से ज़्यादा जो बंदे हैं जान पहचान वो कमानी है, मनी बैठे रब दे भाणे, मतलब कि जो भगवान कर रहा है वो ठीक है, उसे हम मान लेते हैं वो अच्छा बुरा कैसा भी हो। उसके बाद है कि अजय होर चाचे कराने अड़िया जट दी तू क्यों ना जाने, मतलब ये मेरी अड़ी है, ये मेरे मतलब कि पक्का इरादा है, तुम क्यों नहीं जानती हो, अभी मुझे और भी चर्चे कमाने हैं। और आगे दो लाइन भी वही इरादे एक्सप्लेन कर रही है। तो और इसके बाद हुक आ जाता है जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो भाई ये सारा इस ट्रैक का हुड एंथम का लिरिक्स ब्रेकडाउन कह लो, ट्रांसलेशन कह लो, वो सारा था। खैर ब्रेकडाउन लाइक उतना कुछ खास था नहीं, बट जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया। अगर इतना लास्ट तक देख रहे हो तो अपनी फेवरेट लाइन कॉमेंट कर देना जिसमें मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।